सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है, वहाँ से हम लोग आ गए हैं। इस चढ़ाई में भी अम्मा जी काफी तेज चल दे रही हैं। अब बताओ ये पानी का गधेरा बोलते हैं आपका ये है। हो गया टकला। वापस ले रहा है, मजे के चलो। तो आ गया भाई शाम देगी। जोर से मम्मी को। अरे यार मम्मी को दे, मम्मी को रुमाल दे। गौर से देखो इस इंसान को क्या कर रहा है। क्या कर रहा भाई? खाने का टाइम हो चुका है अभी, और खाने में डॉगर सिस्टम यहाँ पे अभी किया हुआ है। अभी दी और जीजा जी लोग आए हुए थे, ये लोग जाने लग गए, और दिनेश भाई भी साथ में। ओके बाय बाय। तो गाइस अभी थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया। अपनी ईजा को कहते ना, उनको छोड़ने जा रहे थे ताऊ, तो उनके साथ मैं पप्पू दादा भी जा रहे हैं उनको छोड़ने। थोड़ा हाफ ना हो रहा क्योंकि एकदम चढ़ाई है। अब कभी कभी होता है पहाड़ पे आना, आदत छूट जाती तो होता ही है। अचानक बोला उन्होंने तू भी चल करके। वहाँ से हम लोग लगभग 8-10 किलोमीटर बताया जा रहा है, वैसे दूर तो है कह रहे, देखते कितने दूर है, देखा तो मैंने भी नहीं है। तो ताऊ और दादा मेरे लिए रुके हुए थे, तो हम आपको थोड़ा बहुत आगे भेज दिया था। पैदल पैदल चलते चलते काफ़ी दूर तक चले गए। अमर लट्ठी टेकते हुए भी इतनी तेज आ गई है। हाँ देख, तो जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है वहाँ से हम लोग आ गए, और रोड से अब चढ़ाई हमारी स्टार्ट हो गई है। इस चढ़ाई में भी अम्मा जी काफ़ी तेज चल दे रही हैं, बहुत बड़ी बात है इतनी उम्र के बाद भी इस तरह से चलना। ये मिला मुझे, ये कौन सा फल होता है? चौथ ठिड। ये सब यहाँ पे चीड़ के पेड़ हैं। तो अभी सब लोग रेस्ट कर रहे हैं, अभी थोड़ा बहुत चढ़ाई हम लोग चढ़ लिए तो थोड़ी थकान वगैरह हो गई थी, अभी बैठे हुए। ये है बुरास का फूल, मतलब बुरास का पेड़। अब तोड़ते हैं एक फूल, इसमें से गिर रहा है इसमें से। पेड़ है हाँ, इसमें कांटे होते हैं बहुत सारे। ठीक है, और इसको खाया भी जाता है और मेडिसिन के काम भी आता है ये। अच्छा, ये पेड़ है, इसमें कांटे होते हैं, इसको छिलके इसकी डंठल को खाया जाता है। ये है एडजू का मंदिर। तो हम लोग तो मंदिर के यहीं पे रुकने वाले हैं, ताऊ छोड़ने जा रहे हैं। ये कितने तेज चले गए हो? अरे रुक जाओ, अम्मा यहीं से जा रही है। तो गाइज हम लोगों को यहाँ आने में लगभग 1-1.5 घंटा लगा होगा। तो आते समय तो यार थोड़ा बहुत ढलान थी, जल्दी आ गए, लेकिन अभी वाट लगने वाली है ऊपर को जाते हुए। व्यू का आनंद लीजिए। अब बताओ ये पानी का गधेरा बोलते हैं। गधेरा तोतों से, पेड़ों के जड़ों से पानी रिसता रहता है, इसमें मछलियां भी होती है छोटी छोटी। ये पानी का गधेरा है, यहाँ गधे पानी पीने आते हैं। क्या नाम है? नाम मतलब भूल गया ना। ललित, ललित ये हमारा ललित जी है। अब इनका आज जन्म हुआ है। बर्तन बर्तबन बर्तन बंद हो गया, हिंदी में बोलते हैं। अब ललित जी
अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसा महसूस करने के बाद अपने हाल बताओ। बताइए, कानों में दर्द हो रहा है या सर में थोड़ा ठंडा ठंडा? सालों ने कानों में छेद कर दिया, बाल उतार दिया, ठंडा लग रहा है। धन्यवाद। टेंट वगैरह का सारा सामान चला है। अभी हम लोग जा रहे हैं नौला देखने। नौला नौला ही होता है ना? नहीं नहीं, पानी पानी। कैसे थोड़ा सा नीचे है कह रहे, तो थोड़ा देख के आते हैं हम लोग। नौला पे जाने वाले प्राणी, मैं हो गया दद्दा और भाई हो गया बहन और राधा, हम पांच लोग आए हुए हैं यहाँ पे। ये है नौला, तो ये जमीन के नीचे से आता है पानी नौले का। अब चलते हैं, बस इतना सा देखना था, नौले के दर्शन करने थे बस। क्या देखो, तीन बार गलत डाला ना, तगड़ा वाइब्रेशन मार दो। दद्दा ने स्कैम कर लिया है, मोबाइल चेंज कर लिया है, मामा को बताई नहीं है, मामा को मोबाइल चेंज कर लिया है। दद्दा के हाथ में ये मामा का फोन है और मामा के हाथ में दद्दा का, अभी पता ही नहीं है ये है। मामा को पता ही नहीं है मेरा मोबाइल है, खुल ही नहीं रहा है। मामू लगे साला गुल गुल है। मैं उसको काट के जा रहा हूँ, हमको इतना अंधा। खाने का टाइम हो चुका है भाई, हमेशा की तरह परोस रही है खाना और पूरी पलटन बैठी हुई है खाने के लिए। अरे वो कहाँ गया?